नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है पांच का तड़का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम पांच का तड़का है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि आज हम इस खास प्रोग्राम में पांच ऐसी मजेदार खबरें बताने वाले हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई हुई है। और हमारे इस प्रोग्राम की खास बात यही है कि भाई आपको बॉलीवुड के साथ साथ इस प्रोग्राम में टीवी की दुनिया के बारे में भी कुछ मजेदार किस्से जानने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम की सिर्फ और सिर्फ खासियत यही है कि बॉलीवुड के साथ साथ छोटे पर्दे यानी कि टीवी के बारे में भी कुछ खबरें जो इस टाइम हर जगह छाई हुई हैं, जिनके चर्चे हर जगह हो रहे हैं, वो आप सभी के बीच हम लोग लेकर आते हैं। और आज हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्ट डिटेल में बता दूं कि सबसे पहले हम किन के बारे में बात करने वाले हैं, किन किन बॉलीवुड और टीवी से तमाम जो खबरों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि भाई अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो हम आपको बता दें पहले हम बात करेंगे अर्जुन कपूर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्जुन कपूर का अफेयर सलमान खान की एक्स भाभी और सलमान खान के भाई अरबाज खान की एक्स वाइफ यानी कि मलाइका अरोड़ा से चल रहा है। अर्जुन कपूर का अफेयर मलाइका अरोड़ा से चल रहा है, लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि भाई अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा से नहीं बल्कि किसी और से शादी करने वाले हैं। हाल ही में उन्हें किसी और एक्ट्रेस से प्यार हो गया है, और ये देखना तो भाई काफ़ी मज़ेदार होगा। ये खबर सुनने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा इस बात पर कैसा रिएक्शन देती हैं। साथ ही साथ आपको सलमान खान की चहेती यानी कि कैटरीना कैफ, जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं, उनके बारे में भी कुछ मज़ेदार एक किस्सा जानने को मिलेगा। दरअसल कैटरीना कैफ को वी सड़क भद्दी तरह बेइज्जत कर दिया गया है, और उसके रीज़न सलमान खान ही कहीं ना कहीं हैं। जी हाँ, आपको अब ये खबरें देखने के लिए देखना पड़ेगा हमारा एक खास प्रोग्राम। लेकिन वहीं अगर बात की जाए टीवी की, तो आपको बता दें टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ड्रामा क्वीन कहलाए जाने वाली राखी सावंत एक बार फिर से अश्लीलता पर उतर आई हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपना अश्लील रूप सबके सामने दिखाया है। अब वो कैसे दिखाया है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे एक खास प्रोग्राम। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर बॉलीवुड के कुछ खास मजेदार खबरों पर, और साथ ही साथ वही टीवी की भी कुछ मजेदार हॉट स्पाइसी गॉसिप पर। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के एक्टर अर्जुन कपूर का अफेयर अरबाज खान की एक्स वाइफ यानी कि मलाइका अरोड़ा से चल रहा है, लेकिन हाल ही में भाई खबर सामने आई है कि अर्जुन ने मलाइका को धक्का मार दिया है और अर्जुन को किसी और एक्ट्रेस से प्यार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि हाल ही में अर्जुन का जन्मदिन निकला था, और उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनकी दादी ने उन्हें शादी करने की धमकी तक दे डाली थी। लेकिन भाई अब ऐसा लगता है कि अर्जुन कपूर शादी जल्द से जल्द कर ही लेंगे, लेकिन मलाइका से नहीं बल्कि किसी और एक्ट्रेस से। जी हां, दरअसल अर्जुन कपूर को एक एक्ट्रेस से प्यार हो गया है, और उन्होंने ये जानकारी खुद अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट की है। बता दें अर्जुन कपूर ने जानी मानी हॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म प्रोड्यूसर चार्लीज थेरॉन की तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि उन्हें उस महिला से प्यार हो गया है। वेल, अब तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को सच में प्यार हो गया है और वो अब जल्द से जल्द शादी भी करने वाले हैं। वहीं कपूर परिवार को भी भाई बहू मिल जाएगी और उनकी दादी भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। जानवी के बच्चे की पहली तस्वीर सामने आई है। अरे अरे घबराइए मत, दरअसल श्रीदेवी की बेटी जानवी नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की भाभी जानवी की बात कर रहे हैं। बीते दिनों ही वरुण धवन के घर में नन्ही परी का जन्म हुआ है। बता दें कि 31 मई को सुबह ही वरुण ने बड़े भाई रोहित धवन की पत्नी जानवी देसाई धवन ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था। वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर इस खबर की जानकारी के साथ साथ अपनी खुशियां भी सबके साथ शेयर की थी, और अब वरुण धवन ने हाल ही में अपनी भतीजी की पहली झलक को सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। शेयर की गई तस्वीर में धवन खानदान की नन्ही परी के साथ पूरा परिवार नजर आ रहा है। इस तस्वीर में वरुण के साथ उनके पिता डेविड धवन, माँ, भाई और भाभी की खुशी देखते ही बन रही है। लेकिन इस फोटो में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि भाई सभी ने एक जैसी ही टी शर्ट पहनी हुई है।
जहां वरुण की टी शर्ट पे लिखा हुआ है चाचू नंबर वन, तो वहीं डेविड धवन की टी शर्ट पर दादू नंबर वन लिखा हुआ है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए वरुण धवन ने कैप्शन में लिखा हुआ है लव एट फर्स्ट साइट। बता दे तस्वीर काफी प्यारी है, वहीं फैंस भी इस तस्वीर को काफी ज्यादा पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं सलमान खान के फैन पूरे देश भर में हैं। सलमान के एक झलक देखने के लिए फैंस काफी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन हाल ही में सलमान के एक फैन ने सलमान की चहेती एक्ट्रेस यानी कि कैटरीना कैफ के साथ भी सड़क पर बदसलूकी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान के फैन ने कैटरीना कैफ का भद्दा मजाक उड़ाया है। कनाडा में बीच सड़क पर दो महिलाओं ने कैटरीना के साथ ऐसी बदसलूकी की, अपना मजाक उड़ाए जाने पर एक्ट्रेस यानी कि कैटरीना कैफ काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। सड़क किनारे घटी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें इस वीडियो में कैटरीना कैफ काफी थकी हुई दिखाई दे रही है। वहीं अपनी कार में बैठने जा रही थी तभी वहां खड़ी दो महिलाओं ने चिल्लाकर कहा हमें आपके साथ फोटो नहीं खिंचवानी। यही नहीं, उन दोनों ने अश्लील इशारे भी किए। उंगली से कैटरीना कैफ को अश्लील इशारे करते हुए भी दिखाई दी थी। उनकी इस हरकत से कैटरीना कैफ काफी ज्यादा नाराज हो गई। इतना ही नहीं, कैटरीना उन लड़कियों के पास गई और कहा बहुत थकी हुई हूँ, इतना बुरा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। बता दे कैटरीना के बॉडीगार्ड ने पूरे मामले को संभाला। वहीं कैटरीना कैफ के फैंस उनके पास गए और उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस और ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत हमेशा ही अपने बेतुक बयानों से और अपने बोल्ड अंदाज से जानी जाती हैं। हर दिन कोई ना कोई ड्रामा राखी सावंत का देखने को मिलता ही रहता है। भाई राखी सावंत का नाम ड्रामा क्वीन है तो राखी सावंत अपने ड्रामे किए बिना कैसे रह सकती हैं। और एक बार फिर से राखी सावंत ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रॉल तो हुई हुई हैं और साथ ही साथ उन्होंने काफी अश्लीलता पर भी उतर आई हैं। जी हाँ, राखी सावंत हाल ही में शो द ग्रेट खली रिटर्न्स में पहुंची जहां उन्होंने अपनी हॉट अदाओं के जलवे बिखेरे। इस दौरान उनके साथ अमेरिका की महिला रेसलर केटी फोबर्स भी साथ थी। बता दें इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें राखी सावंत रिंग में छोटे कपड़े पहन झुक झुक कर अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाती हुई नजर आई हैं। राखी सावंत का अंदाज काफी ज्यादा अश्लील नजर आ रहा है। बता दें राखी ने इस दौरान ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट टॉप पहना हुआ है जिसमें से उनके इनर वियर साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं नीचे गोल्डन कलर की बहुत छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई है जिसकी वजह से उनके प्राइवेट पार्ट्स भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और वो काफी ज्यादा वल्गर नजर आ रहा है। कलर्स के फेमस शो नागिन 3 की फेम करिश्मा तन्ना के फैंस के लिए हाल ही में सबसे बुरी खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद करिश्मा तन्ना के फैंस को काफी जोर का झटका लग सकता है। करिश्मा तन्ना के फैंस काफी ज्यादा दुखी हो सकते हैं। जी हाँ, दरअसल करिश्मा तन्ना के काफी गंभीर चोट लग गई है। दरअसल जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान एक डंबल करिश्मा के हाथों पर गिर गया और इस वजह से उनकी उंगली में चोट लग गई है और साथ ही साथ कई स्टिचेस भी आए हैं, यानी कि उनके उंगली में टाके लगे हुए हैं। बता दे करिश्मा ने इस बात की जानकारी खुद ही दी है। करिश्मा ने कहा कि मेरे रिंग फिंगर में टाके आए हैं, जिम में गलती से एक डंबल मेरी उंगली पर गिर गया था। वेल, हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई करिश्मा तन्ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन भाई अगर करिश्मा तन्ना की फिल्मों की बात की जाए यानी कि उनके करियर की बात की जाए तो आपको बता दे करिश्मा तन्ना हाल ही में संजय दत्त की लाइफ पर बनी बायोपिक यानी कि फिल्म संजू में रणबीर कपूर के साथ 5 मिनट के एक सीन में दिखाई दी थी। हालांकि उनका रोल काफी छोटा था लेकिन उनके रोल ने बॉलीवुड में सनसनी मचा दी। उनका रोल सबको काफी पसंद आया। वहीं वो नागिन 3 से भी लोगों को काफी ज्यादा इम्प्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं करिश्मा तन्ना स्टार प्लस के शो यानी कि नए शो कयामत की रात में भी नजर आएंगी। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से भाई अर्जुन कपूर को एक हॉलीवुड एक्ट्रेस से प्यार हो गया और किस तरीके से उन्होंने सरेआम अपने प्यार का इजहार किया है।
उनके बर्थडे के मौके पर उनकी दादी ने उनको शादी करने की धमकी दी थी। अब भाई इससे तो यही लग रहा है कि अर्जुन कपूर मलाइका को छोड़कर इनके साथ कहीं रिलेशनशिप में आकर शादी ना कर ले। अगर ये होता है तो भाई मलाइका अरोड़ा का रिएक्शन देखना काफी ही मजेदार होगा। साथ ही साथ आपको कैटरीना कैफ के बारे में भी जानने को मिला कि किस तरीके से कैटरीना कैफ को बीच सड़क दो लड़कियों ने, जो सलमान खान की फैन थी, उन्होंने किस तरीके से कैटरीना कैफ को भद्दी तरह बेइज्जत किया और कैटरीना कैफ का किस तरीके से उनके ऊपर गुस्सा फूटा है। वहीं आपको ये भी जानने को मिला कि भाई जानवी जिनका बच्चे की पहली तस्वीर सामने आई है, अरे वो जानवी कपूर नहीं, जैसे कि आपको पता चला इस प्रोग्राम में कि वो जानवी कपूर नहीं बल्कि वरुण धवन की भाभी जानवी धवन थी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ अगर टीवी की बात की जाए तो आपको इस खास प्रोग्राम में ये भी जानने को मिला कि किस तरीके से राखी सावंत रिंग में छोटे कपड़े पहन प्राइवेट पार्ट्स दिखाती हुई नजर आई थी। हालांकि ये राखी सावंत के लिए कोई नई बात नहीं, वो अक्सर ही अपना ऐसा अश्लील रूप दिखाती ही रहती है। और साथ ही साथ आपको टीवी की और भी कुछ खबरें इसमें जानने को मिली। लेकिन भाई फिलहाल तो वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन के साथ साथ और भी टीवी की कुछ मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट नाइन न्यूज, और भी बॉलीवुड और टीवी की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।